किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगी हुई है कि इसको आईएसआईएस स्टेट बनाने के लिए, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए इसमें लगी हुई है, इसलिए एक काम वो कर रही है और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। तो लगातार जो वो कह रही कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और कहीं ना कहीं ये एक विकृत करने वाली स्टोरी है, तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? क्योंकि अचानक से इस तरह का एक फैसला लेना, क्योंकि सेंसस में इसको पास किया गया, लेकिन यहाँ पे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो लोग हवाला देते थे, वो लोग आज शुतुरमुर्ग की तरह मुंह मिट्टी में छिपाए हुए हैं, सैंड में मुंह पूरा घुसा के बैठे हुए हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया, एक बंगाली का बनाया, डायरेक्ट किया हुआ फिल्म, शांत सुदीप्तो सेन ने इसको डायरेक्ट किया, बंगाली लड़का है, आज उसका फिल्म बैन करके ममता बनर्जी ने अपना जो विचारधारा है, अपना जो टारगेट है वो दिखा दिया। और बंगाल के लोगों को ये पता चलना चाहिए, हर बंगाल के लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए। ममता बनर्जी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, अपने दुधेल गाय जिसे बोलती है उनको खुश करने के लिए कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।